नमस्कार, मैं हूं स्मिता उपाध्याय और आप देख रहे हैं आज की खबर। महान धावक और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 13 जून को उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। दो महान खिलाड़ियों के निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। मिल्खा सिंह और निर्मल कौर की मुलाकात साल 1955 में श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। मिल्खा सिंह को पहली नजर में ही निर्मल कौर से प्यार हो गया था। प्यार परवान चढ़ा, लेकिन निर्मल कौर के परिवार को मिल्खा सिंह पसंद नहीं थे। शादी में अड़चने आई तो पंजाब के मुख्यमंत्री को इनकी प्रेम कहानी पूरी करवाने के लिए आगे आना पड़ा। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने कहा था कि हर खिलाड़ी और एथलीट की जिंदगी में प्यार आता है, उसे हर स्टेशन पर एक प्रेम कहानी मिलती है। मिल्खा सिंह की जिंदगी में 3 लड़कियां आई, तीनों से प्यार हुआ, लेकिन शादी उन्होंने निर्मल कौर से की। मिल्खा सिंह और निर्मल कौर 1955 में कोलंबो में एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए थे। निर्मल कौर उस समय भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी, जबकि मिल्खा सिंह एथलेटिक्स टीम का हिस्सा थे। पहली नजर में ही मिल्खा सिंह को निर्मल पसंद आ गई। दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की। जब वापस जाने लगे तो मिल्खा सिंह अपने होटल का पता लिखकर देने लगे। जब कोई कागज नहीं मिला तो उन्होंने निर्मल के हाथ पर ही होटल का नंबर लिख लिया। फिर बातें और मुलाकातें होने लगी और बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन शादी में अड़चन आ गई। निर्मल पंजाबी खत्री फैमिली से थी, इसीलिए परिवार शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने उस समय मिल्खा सिंह की मदद की थी, जिसके बाद वह काफी चर्चा में आ गए थे और उनकी शादी में अड़चन की बात भी कई लोगों तक पहुंच गई थी। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों को पता चला तो वे मदद के लिए आगे आए और दोनों परिवारों से बात कर शादी तय करवा दी। साल 1962 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। मिल्खा सिंह ने कई बार सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वे खुद 10वीं पास है। बच्चों को पढ़ाने और संस्कार देने में उनकी पत्नी निर्मल कौर का अहम रोल है। उनकी गैर मौजूदगी में निर्मल ने बच्चों की पढ़ाई और बाकी सभी बातों का ध्यान रखा। वे अपनी पत्नी को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।